साथियों नमस्कार, एक बार फिर आपके बीच डॉक्टर जितेंद्र कुमार, फार्मासिस्ट ट्रेनिंग मास्टर। साथियों आज हम आपके बीच बात करेंगे पतंजलि गिलोय घनवटी। साथियों पतंजलि गिलोय घनवटी नेट क्वांटिटी 60 टैबलेट की एक जो है हमारे पास एक प्लास्टिक की कंटेनर है, 100 रुपीज़ इसकी MRP है। पतंजलि एक जो है बाबा रामदेव की कंपनी है साथियों, पतंजलि गिलोय, पतंजलि घनवटी। साथियों इसका सिरप भी आता है एंड टैबलेट भी आती है सर, और पाउडर फॉर्म में भी जो है आता है। साथियों बहुत सी फार्मास्यूटिकल कंपनी हैं जो गिलोय घनवटी बनाती हैं, जैसे कि डाबर की है, बैद्यनाथ है, उंझा है, और बहुत से लोकल ब्रांड हैं। साथियों गिलोय एक तंसु फार्मास्यूटिकल लखनऊ का है, वो भी बहुत फेमस ब्रांड है। साथियों इसके बारे में बात करेंगे गिलोय, जैसा कि अभी कोरोना का दौर था उसमें इम्यूनिटी इम्प्रूव करने के लिए बहुत लोग जो है सजेस्ट करते थे कि गिलोय टैबलेट खाइए, गिलोय जूस पीजिए, गिलोय घनवटी खाइए। तो इसके डिस्क्रिप्शन के बारे में बात करेंगे कि गिलोय घनवटी है क्या, साथ ही साथ इसके इम्पॉर्टेंट यूजेस की बात करेंगे, साइड इफेक्ट की बात करेंगे, इंट्रैक्शन की बात करेंगे एंड MRP की बात करेंगे। साथियों गिलोय घनवटी इज यूज टू बूस्ट इम्यूनिटी, मतलब रोगों से लड़ने की क्षमता ये बढ़ाती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है साथियों, एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम योर वेरियस इन्फेक्शन। साथियों अगर आप गिलोय घनवटी खाते हैं तो जैसे कि मौसम चेंज होता है, सर्दी गर्मी होती है, जैसे मई जून के बाद तुरंत मौसम ठंडा होता है, सर्दी आ जाती है जनवरी फरवरी में, उसमें क्या होती है कि सर्दी, जुकाम, गले में खराश, थ्रॉट इन्फेक्शन, इस तरह की क्या होता है मौसम चेंज वाली जो बीमारी है, एक तरह की एलर्जी है, वो जो है इसके इस्तेमाल से नहीं होगी। साथियों ये रोगों से लड़ने की क्षमता भी बढ़ाती है। ये टूली सेफ है, हर्बल मेडिसिन से, प्लांट के एक्सट्रैक्ट से बनाई जाती है। गिलोय एक जो है पेड़ के ऊपर चढ़ती एक बेल टाइप की होती है, उसके एक्सट्रैक्ट से जूस भी बनाया जाता है और टैबलेट भी बनाई जाती है। इट इज एन आयुर्वेदिक सप्लीमेंट है साथियों, सप्लीमेंट दैट इज नोन एज हेल्प टू बिल्ड स्ट्रेंथ एंड स्टेमिना। साथियों कहने का मतलब है शरीर में स्ट्रेंथ भी मतलब मजबूत करती है, स्टेमिना बढ़ाती है एंड इम्प्रूव योर एनर्जी लेवल, और शरीर में क्या करती है एनर्जी लेवल ये इम्प्रूव करती है। इट कंटेंस एन एंटी पायरेटिक प्रॉपर्टी। साथियों एंटी पायरेटिक क्या होता है साथियों, बुखार, बॉडी का टेम्परेचर जब एलिवेट हो जाता है तो उसमें क्या होता है कि जैसे जो एलोपैथ दवा खा रहे हैं और उसके बाद क्या हुआ बुखार उतर जाता है, फिर से आ जा रहा है। कहने का मतलब है कि बॉडी का टेम्परेचर जो है बढ़ता घटता रहता है और शरीर हमेशा जो है क्या होता है कि सुस्ती में रहता है, दवा खाते हैं तो उतर जाता है बुखार फिर से। ऐसे केस में क्या होता है कि गिलोय टैबलेट के इस्तेमाल से जो है बुखार ठीक हो जाएगा। तो कहने का मतलब इसमें एंटी पायरेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं विच हेल्प टू रिड्यूस द फीवर, जैसा कि बताया फीवर को रिड्यूस करती हैं, और रिमूव कोकली, और उससे क्या होगा जो सपोर्टिव मेडिसिन खाएंगे और इसको खाएंगे तो दोबारा बुखार नहीं आएगा, उतर जाएगा। इट इज आल्सो नोन एज इम्प्रूव कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड हो जाता है जैसे कि सीजनल चेंज होता है, उसमें जुकाम हो जाता है, गले में खराश हो जाता है, वो नहीं होता है। साथ ही साथ जिनकी लो इम्यूनिटी होती है उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग करता है एंड जनरल वीकनेस को भी दूर करता है। साथ ही थकान जिनको हो जाती है इसके इस्तेमाल से थकान नहीं होती है एंड इट आल्सो हेल्प्स टू एक्सीलेंट इम्यूनिटी बूस्टर, रोगों से लड़ने की क्षमता भी बढ़ाता है। साथियों गिलोय बहुत ही अच्छी टैबलेट है साथियों, इसमें क्या होता है एजिंग, जेरियोटिक रिकवरी, ओल्ड एज होते हैं उनको जो है जो जुकाम बुखार नहीं होता है और एज पे भी कंट्रोल होता है। जैसे 40-45 के लोग इसको खाएंगे तो क्या होगा कि शरीर में जो है स्फूर्ति बनी रहेगी और चेहरे पे एकदम चमक ऐसी बनेगी, तो मतलब बुढ़ापा जल्दी से नहीं आने देता है। साथियों 60 टैबलेट की ये डब्बी है, 100 रुपये MRP है, पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड का ये प्रोडक्ट है साथियों। ये तो डिस्क्रिप्शन की बात हो गई थी, यूजेस की साथियों हम बात करेंगे तो ये क्या होगा कि हेल्पिंग इम्प्रूव जर्नल डेबिलिटी, शरीर के अंदर जर्नल डेबिलिटी इम्प्रूव करता है, कहने का मतलब ऊर्जा देता है, स्टेमिना बढ़ाता है, ताकत देता है, रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाती है, फीवर में बहुत ही एंटी पायरेटिक, जैसा कि डिस्क्रिप्शन बताया एंटी पायरेटिक प्रॉपर्टीज़ रखता है एंड इफेक्टिव इन स्किन एंड यूरिनरी ब्लैडर डिसऑर्डर्स, और स्किन में किसी तरह का विकार हो जाता है, यूरिनरी ब्लैडर में विकार हो जाता है उसमें उपयोग किया जाता है। साथियों जिनको डेंगू हो जाता है, चिकनगुनिया हो जाता है, उसमें सपोर्टिव मेडिसिन के बाद जो है क्या होता है तब भी बुखार घटता बढ़ता रहता है, ऐसे केस में इसका बहुत अच्छा इस्तेमाल है। डेंगू में प्लेटलिस्ट डाउन हो जाती हैं तो प्लेटलिस्ट के भी इम्प्रूवमेंट में ये बहुत ही मददगार है। साथियों इम्प्रूव डाइजेशन, और जिनका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ठीक नहीं होता है, डाइजेस्टिव और हमेशा फुलनेस
स्टमक जो है फूला फूला रहता है, गैस ऐसी भरी रहती है और पेट जो है डाइजेस्ट नहीं होता है, ऐसे केस में ये जो है बहुत अच्छा रिस्पांस करती है और भोजन को डाइजेस्ट करने में भी मददगार है। साथियों डायबिटीज के रोगियों के लिए, शुगर रोगियों के लिए साथियों ये अमृत का काम करती है। ये क्या करती है, शुगर के रोगियों के लिए जो है क्या होता है उनका शुगर बढ़ने नहीं देता है और नॉर्मल मतलब मेंटेन रखता है। और जिनको दबाव तनाव थकान एंटी हेजिटेशन भी है, इसमें एंजाइटी हो जाती है, टेंशन होता है, थकान हो जाती है, वो नहीं होने देता है। और क्या होता है कि रेस्पिरेटरी की जो प्रॉब्लम है, मौसम चेंज होता है, गले में खराश हो जाती है, वो नहीं होने देता है। अर्थराइटिस होती है, ऑस्टियो अर्थराइटिस होती है, उनको ये बहुत ही फायदेमंद दवाई है। और ये क्या करती है, रिड्यूस अस्थमाइटिक सिम्टम्स। और ये जो अस्थमा के मरीज होते हैं जो सपोर्टिव मेडिसिन खाते हैं, जैसे क्या होता है एलोपैथ खाते हैं, पंप लेते हैं, इनहेल करते हैं, इनहेलर लेते हैं, अगर इस दवाई का साथ सेवन करेंगे तो उनका क्या होगा कि एथमेटिक सिस्टम जो उनके लक्षण हैं वो थोड़े से कम हो जाएंगे। कहने का मतलब है अस्थमा के लोड को कम करती है ये दवाई। साथियों हे फीवर हो जाता है, कोरोना वायरस में इसका बहुत इस्तेमाल हुआ है, कंट्रोल ब्लड शुगर लेवल, और ये क्या होता है ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल कर देता है और स्ट्रेस को रिड्यूस कर देता है, एंजाइटी नहीं होने देता है, गठिया जिनको हो जाती है उसमें जो है, और ये आँख की रोशनी को बढ़ाती है, इम्प्रूव आइट साइट, आँख की रोशनी भी बढ़ाती है। साथियों एक और चीज़ मैं बताऊँगा, ट्रीटमेंट ऑफ जॉइंटिस, जिनको जॉइंटिस हो जाता है, जॉइंटिस ठीक होने के बाद लिव 52 अगर गिलोय एक साथ खाएंगे तो उनके जॉइंटिस दोबारा नहीं होगा, तुरंत जो है लीवर भी स्ट्रांग होगा। साथियों स्प्लीन जिसको कहते हैं SPLEEN, स्प्लीन जिनका इनलार्ज हो जाता है, ऐसे केस में गिलोय टैबलेट का इस्तेमाल करेंगे, तुरंत ठीक हो जाएंगे, डायबिटीज़ के लिए बहुत ही अच्छा है। और जिनकी भूख मर जाती है, लॉस ऑफ एपिटाइट होता है, भूख बढ़ाने में ही बहुत मददगार है। कफ एंड कोल्ड हो जाता है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में बहुत मददगार है, एजिंग में मददगार है, इम्प्रूव विजन एंड अस्थमा। तो साथियों बहुत तरह के इसके इस्तेमाल हैं, साथियों जो है इसको इस्तेमाल करने से जो है बहुत ही लाभकारी है। और दूसरी खास बात है इसमें किसी प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है। साथियों आप केमिस्ट की दुकान से या आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर से आसानी से इसको खरीद के उपयोग कर सकते हैं। साथियों साइड इफेक्ट की बात करेंगे, बहुत से लॉन्ग टर्म इस्तेमाल में जो है साथियों कॉन्स्टिपेशन होने के चांस हैं, शुगर लेवल क्या होता है कभी कभी डाउन हो जाता है, उसका रीजन मैं बताऊंगा। साथियों ये एक तरह का साइड इफेक्ट है, जैसे लोग क्या करते हैं एलोपैथ दवा भी खा रहे हैं और गिलोय भी खा लिए, तो उसमें क्या होता है एलोपैथ दवा से भी शुगर जो है डाउन कम करती है जो बढ़ा हुआ, और साथ में ये भी कम कर देती है तो बहुत ज़्यादा डाउन में चला जाता है। तो ऐसे केस में क्या है कि मरीज की सलाह से ही दवाइयाँ लें। अगर आप एलोपैथ दवा खा रहे हैं तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें कि डॉक्टर साहब हम गिलोय भी खा रहे हैं। प्रेग्नेंट महिलाएं इसका सेवन ना करें और जिनको ऑटो इम्यून डिजीज है वो इसका सेवन ना करें। साथियों इंट्रैक्शन की बात करेंगे तो बहुत सी दवाइयों के साथ इंट्रैक्शन, जैसे एंटी डायबिटिक जैसे बताया ग्लिमी प्राइड है, कोई इंसुलिन ले रहा है, पायोग्लिटाजोन ले रहा है, ग्लाइकलाग्लिसराइड ले रहा है, तो उसमें क्या होती है वो दवाई भी शुगर को डाउन करती है, ये भी कर देती है। तो ऐसे केस में क्या है दो दवाइयाँ ना लें क्योंकि ये शुगर में बहुत अच्छा रिस्पांस करती है, तो ये जो है इंट्रक्शन होने के चांस हो सकते हैं, तो इसलिए जो है शुगर की दवाई के साथ इसका सेवन करने से पहले अपने डॉक्टरी सलाह जरूर ले लें। साथियों इसकी 100 रुपीज़ MRP है, बहुत अच्छी टैबलेट है। साथियों इसको कोई भी खा सकता है, एडल्ट पर्सन, ओल्ड एज, जेरियोटिक, और ये बहुत ही सेफ है, आयुर्वेदिक है, किसी तरह का जो है विकार नहीं है साथियों, फ़ायदा ही होना है। तो साथियों इसी के साथ विराम देंगे, किसी तरह की क्वेरी है आप हमें जरूर कमेंट करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथियों नमस्कार।